अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आए हैं हम सलमान सर के पास, जो कि इनके पास एग्जोटिक बर्ड्स है, कॉकटेल बर्ड्स के ब्रीडर भी है और सेलर भी है, जो कि हमारे सलमान सर। अस्सलाम वालेकुम सलमान सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, आज आप क्या बताने वाले हो? मेरे पास जो कॉकटेल का सेटअप है, जिसके अंदर अभी जो नई ब्रीड निकली है, मैं आपको आप लोगों को ब्रीड भी बताऊंगा मैं, और कुछ एक म्यूटेशन के है, बट वो अभी स्प्लिट में आए हैं। इंशाल्लाह उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उसमें मेरे पास मुझे उम्मीद है कि अच्छे जो है तो क्वालिटी के आएंगे। आप अगर यहाँ पर अगर कैमरा दिखा सकते हैं सामने जी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए मेरे पास का कलर है ये। तो फ्रेंड्स, अभी सर जो दिखाएंगे हम उस पर देखते हैं और उनसे डिटेल्स लेते हैं कि बर्ड्स कैसे है और क्या है। सर, आप सेल भी करते हो क्या? हाँ, सेल भी करता हूँ मैं। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे कॉकटेल्स है, 20-25 पेयर मैंने जो है तो ब्रीड पर लगा रखे हैं। क्वांटिटी उनकी एक कलच के बाद ही क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इतने सारे कॉकटेल हर कलच के तो हम संभाल नहीं सकते, इसलिए मैं मेरे पास से कॉकटेल सेल भी करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं सर के बर्ड्स और सर से आगे इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या है डिटेल। तो सर, क्या बता रहे हैं आज? ये देखिए मेरे पास के ये जो व्हाइट फेस है, ये उसकी ब्रीड है, उसका क्लच है। हाँ। ये मैंने इनको हैंड फीडिंग पर रखा था, माशाल्लाह तीनों भी हैंड फीडिंग पर है, बाइट वाइट का कोई इशू नहीं है। इसका थोड़ा सा जो है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एज इनकी माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई है, 4-5 महीने के है। अच्छा। एक हमारे पास जो है तो ब्लैक पर्ल में है, और ये वाला जो है ये फॉन पर्ल में है। इनके डीएनए भी मैंने करा दिया हूँ। अच्छा। ये दोनों जो है तो मेल है, और ये यहाँ पर जो व्हाइट फेस आपको नजर आ रहा है, जिसको चारकोल भी बोलते हैं, ये जो है तो फीमेल है। इनके डीएनए भी मैंने करा के मंगा लिया हूँ। ये हो गया व्हाइट फेस का, ये मेरे पास का कलच है, और इसमें के दो थे वो भी हैंड टेन किए हुए थे, सेल आउट हो चुके। इसके साथ मेरे पास ग्रे भी है, पर्ल है और लुटिनो है। तो इसके अंदर ये जो ग्रे आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रे एक्चुअल में जो है तो इसमें से क्या कहेंगे, ग्रे प्लस लुटिनो जो पाइड होता है उसमें से निकले हुए। ओके। बट क्या है, ये उसके स्प्लिट है। हाँ। जो रिजल्ट मुझे चाहिए था नहीं मिला। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, मुझे उम्मीद है कि उसमें से मुझे जो है तो पाइड मिलेगा। अभी यहाँ पर आप और दूसरे सारे बर्ड्स को यहाँ पर देख सकते हैं जी। ये बर्ड मैं फ्री फ्लाई के लिए यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ब्रीड नहीं लेता हूँ मैं, सिर्फ फ्री फ्लाई के लिए यहाँ पर रखता हूँ। इसके दो फायदे, सबसे बड़ा फायदा ये कि इनका जो साइज है, जो सेमी अडल्ट बच्चे होते हैं ना, इनको अगर उड़ने के लिए अच्छी सी स्पेस आप देंगे तो इनका साइज भी जबरदस्त आता है और हेल्दी भी रहते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बर्ड्स के अंदर जो है तो डायरिया का इशू हो जाता है। तो डायरिया का इशू छोटी सी जगह के अंदर, वहीं खाना पीना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, बट कॉलोनी के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। इनके परों पे शाइनिंग वाइनिंग आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो जूम करके इसको देख सकते हैं। जी जी, देखिए अभी कोई बाइट नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये बच्चों को थोड़ा सा अलग रखता हूँ, बड़े कॉकटेल के साथ नहीं रखता हूँ जी। उसकी वजह क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, है ना जी जी। कभी कभी जो है चूंकि इनके पेरेंट्स है, कॉलोनी है ये, तो एक दूसरे को मारना करना झगड़ा इसका इशू रहता है, या फिर इनको अलग से कोई डाइट देना हो या कोई सप्लीमेंट देना हो तो अलग से छोटे केज में हम दे सकते हैं। तो सर, उसमें कौन कौन से कलर है और उनके नाम क्या है वो बता सकते हैं? मेरे पास ये सामने जो आप देख रहे हैं स्टिक के ऊपर पर्च पे जो बैठा हुआ, ये साइड से पर्ल है, उसके बाद पाइड है, ग्रे है, लुटिनो है, व्हाइट फेस है, फॉन कलर में व्हाइट फेस है, या फिर जो नॉर्मल फॉन कलर है वो भी है इसके अंदर। अभी एक्चुअल में ये मेरा सेटअप नहीं है, मेरा सेटअप पीछे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। ओके, हम चलते हैं हमारे ब्रीडिंग सेटअप। ओके, चलिए सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सलमान सर का नीचे का ब्रीडिंग सेटअप, जो कि माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। तो सर, इसमें क्या क्या है? आइए मैं आपको वन बाय वन पेयर की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये जो ऊपर का पेयर है, इसके अंदर जो फीमेल है ये लेमन फीमेल है। अच्छा। लुटिनो, लेमन लुटिनो इसको कहा जाता है, और साथ में जो है तो लुटिनो का एक मेल है, ठीक है। इसके बाद नीचे आइए आप, ये सेकंड केज में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो है तो फॉन पाइड का मेल है, ये देखिए ये, और फीमेल जो है तो उसको लुटिनो पल की फीमेल है। ओके। और इनके जो बच्चे आते हैं उसका रिजल्ट ये है कि अभी जो कलच हुआ मेरे पास, 5 बच्चे जो है तो बिल्कुल पाइड के आए, जो कि ऊपर के सेटअप में आपने कॉलोनी में देखे होंगे। जी जी जी। उसके बाद यहाँ पर एक पेयर है मेरे पास, ये मेरा पोस्टिंग पेयर है,
मैं अल्बाइनो के अंडे इसके नीचे जो है तो ट्रांसफर करता हूँ। ओके, ये लुटिनो की फीमेल है और मेल जो है तो अंदर अंडों पर अभी बैठा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त पैर है, अगर आप उसके नीचे 5 अंडे भी रख देंगे तो वो 5 बच्चों को निकाल कर जो है तो उनकी फीडिंग वीडिंग प्रॉपर वे में करता है जी। उसके बाद ये यहाँ पर अल्बाइनो का मेल है और फॉन पर्ल में फीमेल है। ये अभी नया पैर लगाया हुआ है, इंशाल्लाह ये भी ब्रीड शुरू करेगा। माशाल्लाह आपके तो बहुत माशाल्लाह बहुत नंबर एक दिख रहे हैं, बहुत शानदार है। ये इसके अंदर देखिए, अब ये फॉन वाइट फेस का मेल है, फॉन कलर में है, फीमेल भी जो है तो सेम म्यूटेशन में है। ये अभी ऊपर जो आई फीमेल, ये भी फॉन कलर में है, आप यहाँ से जो है तो इसका वीडियो ले सकते हैं। और अभी ब्रीड पर मैं समझता हूँ फीमेल ने अंडा डाल ली होगी उसके अंदर। उसके बाद नीचे आइए, आपको ये सेम कलर एक जोड़ा है, ये वाला मेल है, ये वाली फीमेल है, अभी ब्रीड पर लगाया हूँ। इनकी एज तकरीबन 14-15 महीने का है ये पैर। दोनों जी ब्लड लाइन अलग अलग है, अलग अलग जगह से जो है तो परचेस किए हुए हैं। ओके चलो, ये देखिए, ये थोड़ा सा ये पैर की कहानी अलग है। फीमेल जो है फॉन पर्ल में है और मेल जो है तो नॉर्मल ग्रे है। बट ये जो नॉर्मल ग्रे मेल होने के बावजूद भी इसके बच्चों में जो है तो वाइट फेस के बच्चे आते हैं। उसकी वजह ये है कि ये मेल खुद स्प्लिट है वाइट फेस का, इसके पेरेंट्स में जो है तो वाइट फेस की ब्लड लाइन थी, इसलिए अभी इसके बच्चे जो है तो पूरे वाइट फेस आते हैं। ये यहाँ पर एक अल्बाइनो का पेयर है, इसका भी माशाल्लाह मैं क्लच ले चुका हूँ, एक क्लच मेरे पास हो गया, बड़ा शानदार जो है तो पेयर है। आइए, उसके बाद ये एक मेरा फोस्टिन पेयर है, अंडे दूसरे हाई न्यूट्रिशन के अंडे फिराने के लिए मैंने जो है तो ये पेयर रखा हुआ है जी जी। उसके बाद ये एक पेयर है, ये ग्रे का मेल है, लुटिनो की फीमेल है, बट इनके जो क्लच निकलता है इनके सारे के सारे बच्चे पर्ल में आते हैं जी जी। ग्रे पर्ल जिसको बोलते हैं उसी में आते हैं। आपने ऊपर दो जो मेरे पास देखे कॉलोनी के अंदर जी, इनके ही बच्चे हैं। ओके ओके, ये एक पैर है मेरे पास अल्बाइनो का, माशाल्लाह बहुत शानदार पैर है, 5 जो है तो अंडे देता है और पूरे बच्चे निकालता है। मैं समझता हूँ अभी भी जो है तो 3 या 4 अंडे जो है तो उसके ब्रीडिंग बॉक्स में अभी भी अंडे है, अंडों पर है जी जी। और ये एक शौक से मैंने रखे हुए है, फिंचेस है, जेबरा फिंच जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये जेबरा फिंच है। हाँ, ये जेबरा फिंचेस है, शौक से रखे हुए है, नॉर्मल ब्रीड करते, दो चार बच्चे जो है तो इनके निकलते रहते हैं जी। उसके बाद ये एक मेल है अल्बाइनो का, इसको ब्रीड के लिए रेडी कर रहा हूँ इसलिए सेपरेट रखा हुआ है, इसकी फीमेल अलग रखी हुई, मैं बताऊँगा। थोड़ा सा एक तरीका होता है जल्दी से पेयरिंग करने के लिए जी, मेल और फीमेल को थोड़ा दूर दूर रखा जाता है। चलेगा सर। और ये भी अल्बाइनो का पेड़ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेल रेड आइज में है, फीमेल ब्लैक आइज में है। और एक अंडा जो है तो उन्होंने अभी आज सुबह ही जो है तो एक अंडा इन्होंने ले किया है, मेरे पास इसका पहला क्लच है। ओके, तो इंशाल्लाह शायद अच्छे जो है तो बच्चे निकलेंगे, क्योंकि पहले जो अंडे दिए थे वो अनफर्टाइल थे। तो अक्सर होता है कि पहले क्लच के जो नया जोड़ा होता है उसके अंडे अनफर्टाइल रह जाते हैं, तो फौरी उन अंडों को निकाल कर 2-5-6 दिन के बाद या 1 हफ्ते भर में चेक करके अलग कर देंगे, तो 15-20 दिन के बाद दोबारा फिर अंडे डाल देते हैं। अभी फिर उन्होंने अंडा डाल दिया। सर ये कौन सा जोड़ा है? ये लुटिनो का पेयर है, नई पेयरिंग की है मैंने। ओके, मेल फीमेल अलग अलग, लेकिन अभी तक उनका कोई पेयर लगा नहीं, और देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है। इंशाल्लाह इधर एक है लुटिनो की फीमेल है और ग्रे पर्ल में मेल है, अंडों पर बैठा हुआ है वो, शायद 1-2 दिन में अंडे हैच हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं 4-5-6 पीस जो है तो मेरे पास अल्बाइनो के है जी, और कुछ लुटिनो के भी 4-5 है, ग्रे पाइड के 2-3 है। तो इस तरीके से मतलब जो अच्छा पीस मुझे कहीं अगर मार्केट में मिल जाए या मेरे क्लच में कोई अच्छा पेयर या कोई सिंगल पीस पसंद आता है तो मैं इस तरह से उसको पार्टीशन करके अलग से रख देता हूँ, कि जब भी किसी का मेल उड़ जाए या मर जाए या फीमेल का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें से निकाल के फौरी हम जो तो पेयरिंग कर सकते हैं। वरना फीमेल मर जाए या उड़ जाए तो वो फीमेल ढूंढने में 3-4 महीने लग जाते हैं, फिर उसकी पेयरिंग होना, ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसके लिए मैं जो है इनको अलग से रखता हूँ जी जी। तो सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इनके गोलियां दवा जो भी इनकी बीमारियों के ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपन कवर करेंगे। बिल्कुल, और इनके फूड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल,
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सलमान सर, जो कि आपने देखे इनके केजेस, देखे इनका ब्रीडिंग सेटअप, देखे इनके बर्ड्स देखे। तो सर क्या बोलना चाहेंगे हमारे पब्लिक को, फ्रेंड्स को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस यूट्यूब चैनल पर आप सबसे पहले प्रोग्राम देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और दूसरों को हेल्प हो सके इसलिए उसको शेयर भी कीजिए। असल में ना आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे पे करना है और ना ही शेयर या लाइक करने के लिए पैसे पे करना है, लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे हैं बड़ी मेहनत से जो है तो ये लोग वीडियो बनाते हैं, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ मैं सभी व्यूवर्स से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सलमान सर।